जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर इस बार अजन्मे के जन्म उत्सव पर पदम कांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर सोम चंद्रिका पोशाक धारण कर भक्तों को दर्शन कर कन्हैया श्री कृष्ण दर्शन देंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान मथुरा के द्वारा मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्म उत्सव पर भव्य स्वरूप देने के लिए स्थान की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम मथुरा की विभिन्न जगह पर किए जाएंगे। दूरदराज से आए कलाकारों के साथ 8 बजे से ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं श्री कृष्ण भगवान को धारण करने वाली पोशाक को भी एक दिन पहले 5 बजे गाजे बाजे के साथ भक्तों के दर्शन करते हुए भगवान को धारण करने वाले भवन में ले जाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं, ऐसी हम सबकी इच्छा भी रहती है और हमारे ब्रजवासियों की कामना भी रहती है। तो जो महाराज श्री आएंगे तो महाराज जी को तो श्री ठाकुर जी के दर्शन का और अभिषेक उस महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा ही, हम सबको भी पूज्य महाराज श्री का मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस वर्ष गर्भगृह की जो सज्जा है वो बड़ी अनूठी और विशिष्ट है। जो श्रद्धालु इस वर्ष गर्भगृह के दर्शन करेंगे निश्चित रूप से उनको द्वापर कालीन कंस के कारागार के स्वरूप के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके लिए लगभग 1 वर्ष से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के द्वारा डिजाइन को तैयार कराया जा रहा था, जो लगना शुरू हो गया है और उससे मंदिर की वास्तु से छेड़छाड़ की बिना किए हुए गर्भगृह की जो सज्जा होगी वो बड़ी विशिष्ट होगी और लोग जो श्रद्धालु आएंगे कि कंस के कारागार में कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है तो उनको उसी भाव से वो भाव का दर्शन भी होगा, ऐसा हमारा प्रयास। जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म उत्सव बहुत ही भव्यता धूमधाम और गरिमा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रीय मर्यादाओं, उत्सव की परंपराओं, छुट्टियों, स्मृतियों और ब्रज की परंपराओं के अनुरूप इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण पद्म कांति पुष्पंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी इस वर्ष सोम चंद्र का पोशाक को धारण करेंगे। ऐसी रेशम जरी जरदोजी के कार्य से बनी इस पोशाक में सोम वर्ण की लताओं पताओं और पुष्पों को बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। जन्म स्थान पर वैसे तो निरंतर कार्यक्रम चल ही रहे हैं लेकिन जन्म महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 26 तारीख को प्रातः 5:30 बजे मंगल आरती होगी। 8 बजे भगवान का दिव्य अभिषेक होगा, प्रातः 8 बजे तदुपरांत 9 बजे जन्म महोत्सव का जो अति विशिष्ट कार्यक्रम है पुष्पांजलि, उसका आयोजन होगा। पुष्पांजलि कार्यक्रम के उपरांत जो जन्म महोत्सव का रात्रि कार्यक्रम है वो 11:00 बजे प्रारंभ होगा श्री नवग्रह गणेश आदि के पूजन के साथ। तदुपरांत भगवान की 1000 कमल पुष्पों तुलसी पत्रों से सहस्त्रार्चन किया जाएगा। रात्रि 12:59 पर 1 मिनट के लिए श्री ठाकुर जी के कपाट और दर्शन बंद हो जाएंगे। रात्रि ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मृदंग झांझ मजीरे और डमरुओं के मंगल ध्वनि से गूंज उठेगा और भगवान की प्राकट्य आरती शुरू हो जाएगी। प्राकट्य आरती उपरांत स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा गाय के पयोधर दूध से भगवान का जन्माभिषेक प्रथम अभिषेक होगा। तदुपरांत संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य महंत नंद गोपाल दास जी महाराज के दिव्य सानिध्य में भगवान का जन्माभिषेक होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके दर्शन देव देवादेव महादेव भी लालयित रहते। मंदिर में
श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का सुविधा ना हो, इसके लिए बहुत व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मंदिर के जन्मभूमि के परिसर में रात्रि 1:30 बजे तक 1:30 मिनट तक प्रवेश रहेगा, और जो श्रद्धालु प्रवेश कर मंदिर में परिसर में कर लेंगे उनको दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाए, इस भावना से मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन रात्रि 2 बजे तक रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के आगमन की बात की जाए तो क्या तैयारी रहेगी, क्या कंफर्म है? मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।